बीसीसीआई चीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने पिच चेंज कर दी है, पिच के साथ घपला किया है और बीसीसीआई और आईसीसी मिले हुए हैं इंडिया को। ये सेमीफाइनल जितवाएंगे वो अगेंस्ट न्यूजीलैंड। एक तो इंडिया की अलग आर्मी है, ये क्रिकेट की आर्मी है इनके पास, और ये बहुत ही अनबीटेबल आर्मी है। दूसरा, मैं आज हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया मीडिया पे भी देख रहा था, लोग जनाब ये कह रहे थे कि इंडिया ने पिच तब्दील कर दी है, स्पिनिंग ट्रैक है जनाब, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यार मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि एफर्ट्स किया करें, ये छोड़ दे ये बहाने। इंडिया ने आज न्यूजीलैंड वालों को रुला के क्या, मैं कहता हूँ टोक के बाहर भेजा वर्ल्ड कप। स्टार्ट ऑफ सेफ विद शमी फ्रॉम इंडिया, क्या जबरदस्त बॉलिंग किया, चार आउट पांच आउट चार आउट पांच आउट, और मिसबा ने एक्सप्लेन किया अर्ली ऑन के विद सेमी न्यू बॉल। यार वो टॉस ही खत्म हो गए थे। मैं आपको बता रहा हूँ क्वांज वाली कंट्रोवर्सी आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, जूम नहीं कर रहा, जूम करके आप दिखा नहीं रहे कि टॉस जीता कौन आ रहा है। ये भी मैं बातें सुन रहा हूँ यार, जूम क्यों नहीं करे टॉस को। न्यूजीलैंड वाले सोच रहे थे कि हम लोग इस दफा भी इंडिया को वैसे ही बाहर निकाल देंगे जैसे लास्ट टाइम 2019 के वर्ल्ड कप में निकाला था। तो बस यही था यार, बस वर्ल्ड कप इंडिया के लिए हुआ था, इंडिया ने जीत लिया, और फैंटी आपने जो लगाई है वो डिजर्व करता था, फैंटी जिस आपने लगाई है, और बहुत अच्छा खेले हैं यार। मैंने आपसे कहा था ना रोहित शर्मा छोड़ेगा नहीं, उन्होंने न्यूजीलैंड को हला के ये रिकॉर्ड कायम किया था, ये 9 की नहीं 10 की उनकी स्ट्रीक हो गई है लगातार 10 मैच विन करने इंडिया। बैटिंग या बात कर ले, बैटिंग तो इंडिया ने ऐसी कर छोड़ी है कि आपको मतलब इस वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में आपको शायद ही सदियों में कोई ऐसी टीम नजर आए। मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी देख रहा था, लोग जनाब ये कह रहे थे कि इंडिया ने पिच तब्दील कर दी है, स्पिनिंग ट्रैक है जनाब, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यार मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि एफर्ट्स किया करें, ये छोड़ दे ये बहाने, हीले बहाने, मतलब इसी वजह से शायद हम अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। परफॉर्मेंस को मन तीन चीजों पे छुपाएं, देखिए जो अच्छी टीमें स्कोर कर रही हैं, अब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंची है ना, उनके लिए भी तो उन्होंने वही पिचेस बनाई है, उनकी को उनके साथ को खास दुश्मनी तो नहीं है। यार देखिए आपका, आप देखिए आपने, मैं अगर पाकिस्तान टीम की बात करूं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो जाहिर है पाकिस्तान टीम की बात है, पाकिस्तानी टीम की बात करेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर आपने जो आपका मैच विनर था फखर जमान, उसको आपने 3 मैचेस दिए हैं, 9 में से 6 मैचेस आपने उसको खिलाए नहीं है, और आपकी टीम मैनेजमेंट का यही हिसाब है कि वो कह रहा था कि मैं फिट हूँ, और आपकी टीम मैनेजमेंट कह रही है कि वो फिट नहीं था प्लेयर। ठीक है, इसमें देखें जब आपकी पर्सनल चॉइस आ जाती है, चाहे कैप्टन की हो या मैनेजमेंट की हो, तो फिर उससे नुकसान उस टीम को होता है, और उस टीम के साथ साथ उस कंट्री को, जिस कंट्री की वो टीम होती है। ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको और भी दे दूं, बाबर आजम ने कप्तानी भी छोड़ दी है। अच्छा, उसने कप्तानी छोड़ दी है और बहुत अच्छा फैसला किया है यार, वो एक अच्छा प्लेयर है, एज ए प्लेयर अपने आप को मनवाए खेले, और उसके अंदर कप्तानी के गट्स नहीं थे यार, पहले भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं लेकिन उनके कप्तानी के गट्स नहीं, तो वो पीछे हटे, स्टेप डाउन किया। ये मैं भी समझता हूँ, ये मुझे न्यूज अभी पता चली है, इसके ऊपर मैंने पहले नहीं खबर सुनी, लेकिन अगर वाकई में बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी है तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, इस वजह से कि देखें विराट कोहली भी पहले कैप्टन थे, उन्हें ऐसा लगा कि यार मैं उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा या जो भी सीन है। सचिन तेंदुलकर थे, सचिन तेंदुलकर से बड़ा बैट्समैन तो पैदा ही नहीं ना हुआ, उन्होंने भी स्टेप डाउन किया ना कप्तानी से, तो ये जरूरी नहीं होता कि जो इंसान एक अच्छा प्लेयर है वो अच्छा कप्तान भी समझ, क्योंकि जो लीडर की खसूसियात होती है ना वो गॉड गिफ्टेड होती है इंसान के पास। ऐसा ही, अच्छा इस मैच की टेक्निकल चीजों पर तो हमने बात की, किसने कैसी परफॉर्मेंस की, किसने कैसी बैटिंग कैसी बॉलिंग की, अब थोड़ी सी पाकिस्तानी पब्लिक की जो एक माइंडसेट है उस हवाले से बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान अब सेमीफाइनल में या फाइनल में किसको, इंडिया को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। पाकिस्तानी कौम जो है वो ख्वाबों में रहती है, अब ये पाकिस्तान और इंग्लैंड का जब मैच हो रहा था लास्ट टाइम, अब मेरे दोस्त मुझे कह रहे थे कि यार इंग्लैंड को पाकिस्तान मारेगा, 500 स्कोर करेगा। अच्छा। और हम 150 भी आउट कर लेंगे। ठीक हो गया। मैं उनको कह रहा था यार लाहौर की टीम लेके जा रही हो जिसके साथ तुमने जाके खेलना है, 500 भी आपने करके उनको 150 भी आउट करना है, आपकी अप्रोच देखी आपने पाकिस्तान और जो इंग्लैंड का मैच हुआ है, यार आपको शर्म आनी चाहिए यार, इन्होंने बहुत ज्यादा, हमें बहुत ज्यादा दुख हुआ इनकी परफॉर्मेंस को लेके, और ऊपर से ये देखे ना अब हमारा वो बीच में एक चीफ सेलेक्टर जो हमारा इंजमाम उल हक, उसने हमारी टीम को वो खुडे लाइन लगाया है, अपना भांजा उसने इमाम उल हक लाके हमारे सर पे ऐसा थोपा है, और वो हमारी जान ही नहीं छोड़ा। अब 2019 में भी आप निकाल के देखें वर्ल्ड कप में वही ओपनिंग कर रहा था, 2023 में भी वही कर रहा, 5 साल के अंदर उस बंदे की एक सेंचुरी मुझे निकाल के दे दें। ये देखें कौन सा ऐसा शामी में जादू आ गया है, जो बॉल करता है वो बॉल इन की जो आउट हो जाती है, आउट की जो इन हो जाती है, ये क्या चक्कर किया है? आपको पता है मिचेल स्टार्क कैसा बोल रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है आउट क्लास बोल रहे हैं, बोल्ड उसकी बॉल सीधी हो रही है, कोई मूवमेंट नहीं, कितनी जोर लगा रहा है यार, वो चार तीन चार बॉलर आते हैं वो आके तबाही मार के चले जाते हैं, इसका यही मतलब है कि चीटिंग है। आपको पता है कि पिछले वर्ल्ड कप में बेन स्टोक्स ने किताब लिखी लिखी, उसके अंदर उन्होंने वाजे किया कि जो इंडिया का मैच था ना वो जान की हारी, क्योंकि हम पाकिस्तान पर नज है, 100% चीटिंग है इंडिया से, जो मर्जी ये अभी आप सब्र कर जाएँ, इंशाल्लाह ताला ये 3 महीने बाद मेरी बात लिख लें, 3 महीने बाद इसके ऊपर गोरा किताब लिखेगा और उसके अंदर बताएगा कि किस तरह से इंडिया ने चीटिंग की है। बात सुने मेरी,
आप आईपीएल देखते हैं। लेकिन यार हैट्स ऑफ टू योर टीम यार, और बहुत ही तगड़ा खेले भाई, कोई चांस ही नहीं है यार, कुछ चांस दे ही नहीं रहे। और जो थ्रेट थी, थोड़ी बहुत जो थ्रेट थी सेंटनर की, रविंद्र की, बोल्ट की, वो भाई साहब रोहित भाई साहब आए, उन्होंने वो थ्रेट खत्म की। उन्होंने कहा भागो यहाँ से, कोई मसला नहीं, कोई चक्कर नहीं है। अच्छा प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने, विराट कोहली ने कैपिटलाइज किया, उन्होंने एंजॉय किया, अपना बेहतरीन बारी खेली। जहां पे आपको 400 पहुंचना था वहां पे अय्यर साहब खड़े हुए हैं, वो कहते हैं जी हम आपको 400 तक पहुंचा के जाते हैं। पहली टीम थी टीम इंडिया कामरान, जिसने सेमीफाइनल में भी जगह बनाई और आज टीम इंडिया ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। देखिए आपको पता ही है इंडिया की जीत भी है, इतना मजा आया ना जैसे इन्होंने न्यूजीलैंड को मैच हराया। न्यूजीलैंड वाले सोच रहे थे कि हम लोग इस दफे भी इंडिया को वैसे ही बाहर निकाल देंगे जैसे लास्ट टाइम 2019 के वर्ल्ड कप में निकाला था। उनकी कोशिश आज भी यही थी, लेकिन इंडिया ने जैसा खेला ना, परफॉर्म किया ना, मैं अब सबसे पहले बात करूंगी इंडियन टीम की, कोई विराट कोहली की बात नहीं करूंगा, शुभमन गिल की बात नहीं करूंगा, इंडियन टीम की आज मैं बात करूंगा। जैसे इंडिया ने आज परफॉर्म किया, बैटिंग बॉलिंग, कोई भी इंडिया के जो बॉलर है बैट्समैन है, हमें वो फ्लॉप नजर नहीं आया, बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस देते नजर आए हैं। उन्होंने आज बता दिया है कि हम लोग ये वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने आए थे इंडिया, और आज वो खेल के जीत के फाइनल के अंदर चले गए हैं, जगह बना चुके हैं हमें। आप अब इंडिया फाइनल खेलने जा रहा है, लोग बातें कर रहे थे शायद इंडिया बाहर चला जाएगा, इंडिया ने बता दिया मुझे बाहर निकाल के दिखाओ, तुम मुझे बाहर निकाल सकते हो, इंडिया को कोई नहीं बाहर निकाल सकता। और जैसा आज मैच खेला, मजा आ गया, इंजॉय किया। सबसे स्पेशली मैं यानी कि बात करूंगा इंडियन की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने जैसे मैनेज किया पूरे वर्ल्ड कप के इवेंट को, इतना अच्छा मैनेज किया, इतना मजा आया, अवाम ने इतना एंजॉय किया, पाकिस्तान में अवाम ने बैठ के इसको एंजॉय किया, इंडियन टीम की परफॉर्मेंस को एंजॉय किया। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल जैसे आज खेले हैं, शुभमन गिल आपको पता है लास्ट टाइम बीमार हो गए थे, लेकिन वो उन्होंने कमबैक किया। आज जो देखें उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, आज उन्होंने बताया कि भाईजान न्यूजीलैंड वालों मुझसे बच के रहना, मैं अहमदाबाद का प्रिंस हूँ था और रहूंगा, क्यों, क्योंकि मैं खेलता हूँ, मैं बजाता हूँ और मैं अच्छी तरह बजा के रुलाता हूँ। आज उसने न्यूजीलैंड को, विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा ने रुलाया है न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड वाले आज रो के भाई चले गए हैं। उनके न्यूजीलैंड वाले ने कह दिया हमारी बस हो गई है, हम इंडिया के साथ आगे से कभी नहीं खेलेंगे। इंडिया ने सारी टीमों को नुकरे लगा दिए, रिकॉर्ड कायम कर दिया कि बगैर कोई मैच हारे इंडिया ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया, वर्ल्ड कप के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया भाई इंडिया ने। देखिए इंडिया का आपको पता है ये हमेशा से रिकॉर्ड ही कायम करती है, ये कोई अच्छा मैच नहीं है जहां पे इंडिया ने रिकॉर्ड ना कायम किया हो। आज भी उन्होंने न्यूजीलैंड को हरा के ये रिकॉर्ड कायम किया था, ये 9 की नहीं 10 की उनकी स्ट्रीक हो गई है, लगातार 10 मैच विन करने इंडिया किसी टीम के खिलाफ, बड़ी बड़ी टीमों को हराना बड़ी बात है। और न्यूजीलैंड वालों जैसे वो आज रिवेंज लेने के लिए आए थे इंडिया के, कि हम रिवेंज लेंगे, इनको बताएंगे, हराएंगे, इंडिया ने आज इनसे रिवेंज लिया है। इंडिया ने आज न्यूजीलैंड वालों को रुला के गया, मैं कहता हूँ टोक के बाहर भेजा वर्ल्ड कप से। कामरान आपने हमारे साथ इस पूरे वर्ल्ड कप की कवरेज की, इसको बड़े गौर से देखा, क्या कहेंगे इंडिया किस कामयाबी के पीछे, क्या वजह है कि बगैर हारे लगातार इंडिया आज इस मकाम पर पहुंचा है, तो इंडियन टीम की कामयाबी की वजह आपको क्या नजर आती है? देखिए मुझे तो सबसे पहले मैं दो बंदों का नाम लूंगा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन दोनों ने जैसे अपनी टीम को संभाला है। विराट कोहली टीम को मैनेज करता है, जो रोहित शर्मा उन्होंने कैप्टेंसी दिखाई है, उन्होंने टीम को बताया कि भाई जब प्रेशर नहीं लेना किसी टीम का। आज भी आप देखिए विराट कोहली, रोहित शर्मा आए हैं मैच के अंदर, आए हैं उनके चेहरे पे जरा भी प्रेशर हो, क्यों, क्योंकि वो इंडियन टीम जो होती है जीतने के लिए आती है कि हमने जीतना है मैच, और आज वो जैसे परफॉर्म किया जीत के गए, इसका जो सेहरा है ना सबसे पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा के सर पर जाता है, उसके बाद पूरी इंडियन टीम को जाता है। इंडियन टीम ने जैसे आज खेला, परफॉर्म किया, वर्ल्ड कप के अंदर बता दिया, बिलीव करें हम लोग बड़ा इंजॉय किया आज के मैच को, बड़े खुश हैं, ये सारी आवाम थी, मेरे लोग तो एंजॉय कर रहे थे, पूरा पाकिस्तान इस टाइम इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, न्यूजीलैंड को सपोर्ट नहीं कर रहा था, किसी और टीम को सपोर्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहा था कि यार इंडिया को जिताना है, क्यों, इंडिया डिजर्व करती थी जीतना। उन्होंने ओवरऑल जैसे परफॉर्म किया, मैच खेलने हैं, सारी टीमों को रुलाया उन्होंने, 9 की 9 टीमों को रुलाया, और आज भी उन्होंने न्यूजीलैंड को रुला के, तो मैं कहता हूं रुला के टुड्डे मार के बाहर निकाला वर्ल्ड कप। अब तो ये कंफर्म हो गया कि वर्ल्ड कप इंडिया का, बिल्कुल आज ही आज से ये मैच लिख लें, ये वर्ल्ड कप इंडिया का होगा, आगे ऑस्ट्रेलिया आए या आए साउथ अफ्रीका फाइनल में इंडिया के, इंडिया के सामने वो टिक नहीं पाएंगे, इंडिया ने टिकने नहीं देना, इंडिया ने जीत के जाना वर्ल्ड कप, और ये जो ट्रॉफी है ना वर्ल्ड कप की, ये इंडिया के घर में जाएगी, इंडिया के होम ग्राउंड में रहेगी, और आईसीसी वालों को भी मैं कहता हूँ भाई जान तुम्हें ट्रॉफी लेके जाने की जरूरत नहीं अपने पास, क्योंकि ये ट्रॉफी अपने पास रखता है आईसीसी, वो इनको ट्रॉफी इंडिया के वो इसी स्टेडियम में रखी जाए, जिस स्टेडियम में इंडिया ने आज मैच जीता ना इसी स्टेडियम में रखी जाए ये ट्रॉफी, और इंडिया की आवाम को, इंडिया की आने वाली नस्लों को ये बताया जाए कि भाई जान इंडिया ने लगातार कंसिस्टेंसली, ये टीम आई थी इन्होंने ये मैचेस
जीते हैं और जीत के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम किया और ये हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। इसके बाद ये इंडिया की हिस्ट्री इतनी बड़ी नहीं हो सकती। इंडिया की देखें हमेशा जीतने के लिए काम करता है, परफॉर्म करता है। आज जैसे इंडिया खेला वो जीत के सारे मैचेस अपने नाम कर गया और हम लोग बड़े खुश हैं इंडिया के लिए। हम पाकिस्तानी भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे और